जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के कुशल मार्गदर्शन में अलग अलग मामलों में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिला पुलिस ने अलग अलग मामलों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ठेके से लूट करने, मोटरसाइकिल चोरी गिरोह व ट्यूबल तार चोर गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनमें ठेके से लूट करने के आरोप में सुखविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वासी सिद्धपुर जिला करनाल, सरबजीत सिंह उर्फ लीलू पुत्र गुरमीत सिंह व सुखविंदर सिंह उर्फ पुत्र रतन सिंह वासिया नडाना जिला करनाल को मोटरसाइकिल चोरी, ट्यूबल तार व लोहे का सामान चोरी करने के आरोप में राजन पुत्र ओम प्रकाश वासी महुआ खेड़ी बाबैण, पवन कुमार पुत्र उर्फ पारस पुत्र राजकुमार वासी खेड़ा मोहल्ला रादौर, हरजीत सिंह पुत्र करम वासी नजदीक सतलुज पब्लिक स्कूल शाहबाद व हरिओम पुत्र प्रवीण व सुखबीर पुत्र प्रेमचंद वासियान रादौर को गिरफ्तार किया। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवान ने दी। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध अन्वेषण शाखा 2 के प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार की टीम ने गांव समानी के पास बने ठेके से 25 जून 2022 को हथियार के बल पर 23,000 रुपए नकदी व शराब की पेटियां लूटने के आरोपियों को काबू किया है। मामला 25 जून 2022 को थाना सदर में दर्ज किया गया था और मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 को सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता संदीप कुमार पुत्र वेद प्रकाश वासी मुकंदपुर जिला मुजफ्फरनगर यूपी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह समानी में बने शराब के ठेके पर नौकरी करता है। 25 जून को दोपहर के समय उसके ठेके पर एक व्यक्ति गाड़ी में कुछ व्यक्ति आए, जिनमें से 3 व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरकर डंडे व तलवारों सहित ठेके पर आते ही उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके साथ मारपीट करके ठेके में रखी करीब 23,000 रुपए नकदी व शराब की 6 पेटियां लूट ली और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। जांच करते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पुलिस अधीक्षक ने अपराध गोष्ठी में सभी थाना प्रभारियों अपराध अन्वेषण शाखा 1 व 2 को आदेश देते हुए कहा था कि जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जाए। इसी कड़ी में अपराध अन्वेषण शाखा 2 ने मोटरसाइकिल चोरी व ट्यूबल तार चोर गिरोह के 5 आरोपियों को काबू किया। आरोपियों ने जिला भर में अलग अलग थाना के एरिया में की गई चोरी की कई वारदातें कबूल की। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल व नकदी भी बरामद की गई। वहीं उन्होंने बताया कि अलग अलग थानों में एरिया में दर्ज इन वारदातों को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ पर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने थाना बबैंड सदर थाने सर शाहबाद में थाना लाडवा के एरिया में विभिन्न वारदातों को अंजाम दिया था, जिस संबंध में शिकायतों पर कई मामले भी दर्ज किए गए थे। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ पर थाना बबैंड के एरिया से ट्यूबल तार तथा अन्य लोहे का सामान चोरी के 2 मामले स्वीकार किए, जिन मामलों में 14 जुलाई 2022 को मामचंद पुत्र चिरंजीव लाल वासी रामनगर बाबैंड जिला कुरुक्षेत्र ने बाबैंड पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 12 जुलाई को रात के समय उसके खेत में बने ट्यूबल की तार चोरी हो गई थी। वे दूसरे मामले में थाना बाबैंड पुलिस को 21 जुलाई को देवीलाल पुत्र प्रीतम वासी गांव बीड़ कालवा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 18 जुलाई को रात के समय उसके खेत में बने ट्यूबल की तार व अन्य लोहे का सामान चोरी हो गया था। मोटरसाइकिल चोरी के भी कई मामले थे दर्ज। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ पर स्वीकार किया कि उन्होंने शाहबाद में लाडवा के एरिया से 3 मोटरसाइकिलें चोरी की थी, जिन मामलों में 14 जुलाई को विपुल पुत्र रविंदर कुमार वासी शाहबाद मारकंडा ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि 24 जुलाई को उसके दोस्त के घर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल को कोई चोरी करके ले गया। वहीं दूसरे मामले में 14 जुलाई को सतीश पुत्र रूपचंद वासी शाहजादपुर अम्बाला ने थाना शाहबाद को भी दी अपनी शिकायत में बताया था कि 13 जुलाई को जिस समय वह शुगर मिल शाहबाद के नजदीक शौच के लिए खेत में गया तो उसकी मोटरसाइकिल को 2 लड़के चोरी करके ले गए। वहीं तीसरे मामले में 24 अप्रैल को गुरमीत पुत्र गुलाब सिंह वासी जंदेड़ा ने लाडवा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मोटरसाइकिल को बड़सामी प्लाईबोर्ड फैक्ट्री के पास से कोई चोरी करके ले गया था। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ पर स्वीकार किया कि उन्होंने थाना सदर थाने सर में लाडवा के एरिया से लोहे का सामान भी चोरी किया था, जिन मामलों में 23 जुलाई को राजेश पुत्र श्री रामवासी बाबैन रोड लाडवा ने थाना लाडवा में दी शिकायत में बताया था कि 22 जुलाई को उसके घर के सामने खड़े उसके ट्रैक्टर ट्राली में बुग्गी से लोहे का सामान चोरी हुआ था। वहीं दूसरे मामले में थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने भी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 फरवरी को उनकी आंगनवाड़ी से पानी की मोटर को कोई चोरी करके ले गया था। आरोपियों के कब्जे से बरामदगी की गई। वहीं अपराध अन्वेषण शाखा 2 के प्रभारी प्रतीक कुमार के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, हवलदार लखन सिंह, ललित कुमार, प्रदीप कुमार व गुरबख्श सिंह की टीम ने अलग अलग मामलों में संलिप्त 8 आरोपियों को काबू किया। इन आरोपियों के कब्जे से 13,000 रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिलें व एक पानी की मोटर बरामद की गई। आरोपी हरजीत सिंह पुत्र करम सिंह वासी शाहबाद को अदालत के आदेश से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बकाया अन्य आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया गया, जांच जारी है। जी सर,
दिनांक 25 जून को हमारे यहाँ रकबा सुमाणी के क्षेत्र में ठेका है, शराब का ठेका, उस पर 3 व्यक्तियों के द्वारा लूट की गई थी। और हमारी टीम ने, शहीद 2 की टीम ने उस वारदात को खोलते हुए तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया है। और तीनों लड़कों के नाम सुखजीत और तीसरे लड़के का नाम भी सुखविंदर है। तीनों करनाल के सिद्धपुर के और नडाणा गांव के रहने वाले हैं और इनको माननीय अदालत में पेश कर दिया गया है। कोर्ट के द्वारा 2 दिन के पुलिस रिमांड में इनको लिया गया है और रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग किए गए जो हथियार हैं वो बरामद किए जाएंगे और वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी वो बरामद की जाएगी। इस पूरी वारदात को अंजाम नरेश वासी अंजन थली है, उसने दिलवाया था, वो मौके पे नहीं था, वो हमारे 120 बीघा एक्यूज है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी टीम ने 2 चोरी के गैंग भी पकड़े हैं और उनके नाम हरिओम सुखवीर पवन जो ये रादौर के रहने वाले हैं और एक राजन है वो महुआ खेड़ी का रहने वाला है। उनसे ट्रैक्टर ट्रैली के सामान वगैरह जो चोरी किए हुए हैं वो बरामद किए हैं और 2 उनसे मेन मुख्य जिन पर वो वारदात करते थे मोटरसाइकिल, जो चोरी के मोटरसाइकिल हैं, 2 चोरी के मोटरसाइकिल उनसे बरामद किए हैं। उस ट्यूबवेल्स की, वो किसानों की ट्यूबवेल्स की जो तारे वगैरह हैं वो काटते थे, उसके भी तारे वगैरह बरामद की हैं और पानी के पंप वगैरह बरामद किए हैं। तो इस प्रकार दोनों चोरी के गैंगों से हमारी 6 वारदातों का खुलासा हुआ है और एक जो ठेके पर हमारी पुरानी एक वारदात थी 392/379A IPC की लूट की वारदात थी, उसका खुलासा हुआ है। लूट में सर कितने की लूट हुई थी, कितने की? इसमें लूट जो ठेके पर लूट हुई थी उसमें 23,000 रुपये कैश थे और तेजधार हथियार उसमें प्रयोग किए गए थे और शराब की पेटियां वगैरह भी लूटी गई थी। और अभी तीनों एक्यूज्ड को हमने पुलिस रिमांड लिया है, उनका पुलिस रिमांड के दौरान गाड़ी की भी, हथियारों की भी और करेंसीज की भी रिकवरी की जाएगी।